हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रोके एंड शालू। ते आज मैं ब्लॉग बना रहा कोरोना उते। ते कोई लोग कहंदे कोरोना हैगा, कोई कहंदा नहीं हैगा, बट एक गल तुहानूं दसना चाहुंदा, जिन्नू कोरोना हो रहा ना उन्नू एहसास आ, उन्नू पता लगदा कि कोरोना चीज की है। जिहड़े फुकड़ियां मारदे आ यार कोरोना कुछ नहीं है, यार इदा वा उदा वा, है ना। बट मैं अच्छ कहता जिन्हों हों ना उन्होंने पता लगता। मैं 15 दिन क्वारंटाइन रहा, मैं कोरोना पॉजिटिव आया से, लेकिन मैं पता नहीं क्वारंटाइन, मैनू पता मैं कि फील होया, बुखार, खांसी, गला दर्द, ऑक्सीजन की कमी, स्मैल आनी बंद हो गई। मैं एक साल का उत तक एहसास पाने की तो मैं बस खत्म आ गई, मेरी खत्म कहानी। शूट कर गया, मैं बीमार हो गया, उ फील शुरू होया, मैं उसे दवाइया खाधी, बट मैं फील हो गया कि यार नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ है, मैं चेक कराना चाहिए। जब मैं चेक कराया मैं कोरोना पॉजिटिव, तो कोरोना पॉजिटिव तो सी, बट ना कहें दुख वेले तो सुख वेले, कौन साथ दे रहा कौन नहीं दे रहा। हम कहते घर वाले होंगे, बार वाले बार वाले होंगे, साले जिन्हें यार बेटी सी ठीक है, जेडे खाते पीते जिसे तो खाओ नहीं तो ना ला, जिन्हें नहीं खो बंद कर दो तो बस आने तू कौन मैं कौन। घरदार ने साथ दिता, फैमिली मैंबर कजनस ने ठीक है साथ दिता, ठीक है। उस तो बाद जिन्होंने फोन करने से मैंने फोन करके बहुत कुछ दसिया कि यार इदा कर इदा कर इदा खा पी, है ना। उन्होंने बहुत थैंक यू जिन्होंने नहीं फोन कर, जिन्होंने यार बेली जो बहुत ही कॉल से जिन्होंने उम्मीदा से, है ना, उन्होंने भी थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। पता तो लगता यार क्या बंदा किन्ने पानी के है ना। बट कहते ना कि ना घर वाले होंगे, बार वाले बार वाले होंगे, एहसास बना था इस चीज में मैंने। तो हूँ दूजी गल, जे बंदे कहते कि कोरोना कुछ नहीं है, ये नहीं है, मैं अपने 2 महीने के बीच किनिया खोए, किनिया उम्मीदा थी कोरोना के बीच। तो मैं एहसास जब मेरे ना मैं बीत रही थी ना, मैनू सी चल रही मैं भी जिंदगी को खत्म होगा 100%। हूँ मेरा पहले मेरा वेट सी 70, हूँ मेरा रहेगा 60-10 किलो का फर्क, 10 kg का फर्क पै गया पूरे 15 दिन के बीच। ना खाया जाना, ना पिया जाना, ना कुछ। बट फिर भी मेरी फैमिली की मदद मिली, कुछ कहने 2 साल का मेरा हूँ ठीक है, ठीक हो मैं अभी को कम दस अगे सामने है लैक्टर बैठा हूँ आपके 15 दिन बाद। तो एक चीज़ होर तीजी गल दसनी है कि जी ना यार सुख वेल नहीं बंदे का साथ देना होंगे, दुख वेले भी तुम खड़े हो वो नाल। सुख वेले तो मैं सब सारे खड़े होंगे, दुख वेले उस बंदे उदे ही पता लगता है कि यार ये बंदा मेरे ना खड़ा सी, ठीक है, तो खड़ा अगे भी खड़ा होएगा। अगर तुम मेरे ना खड़े हो कल हूँ तुम कोई दिक्कत होगी, मैं भी खड़ा होऊंगा। अगर तुम अज ही नहीं मेरे ना खड़े मैं क्यों खड़ा होऊंगा। ऐ मोटिव मेरा ब्लॉग बना यही सी, वह बंदे ब्लॉग वेखने ना वेखन, है ना, मेरा मन कोई फर्क नहीं पैदा। बट इस साल मेरी ना दिल की पड़ास कटनी, तो मैं कटनी सी कटती। हूँ अपनी फैमिली ना सेफ रखना, पहले तो वैक्सीन लगवाओ तुम, है ना, वैक्सीन लगवाओ अपने मदर फादर की जिन्हें इम्यूनिटी सिस्टम है ना सटवाऊंगा, चाहे कुछ भी है, है ना, कोई कहना नहीं वैक्सीन लगवानी है, लगवाओ वैक्सीन, तो सेफ रहो, सैनिटाइजर यूज करो, ठीक है, मास्क पा के घूमो। कोई फुकरे देंगे कि यार नहीं यार मास्क नहीं लगाना, साढ़े यार करो जाना वो जाना, तो मैं ऑफिस में बैठा वा ना, कि अपना मास्क नहीं मास्क नहीं खुद नहीं पाया, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा अंदर ता करके नहीं पा लिया। तो अपनी फैमिली ठीक रखो, प्यार रखो, किसी को कुछ नहीं पता, पैसे का लोग पैसे पिछले भज रहे हैं, ठीक है, पैसे की करोगे यार। हूँ ना दिल्ली के देख लो लोग लख रुपये देने कि बैड लगो, बैड नहीं मिल रहे, ठीक है। जो तुम एक गरीब को नहीं पैसे देने, गरीब अगर 10 रुपये मंगता तुम भैन बाल गाला कट के पहुँचा देंगे, है ना, तो 10 रुपये नहीं दे सकते। हूँ जो अपने तो बीत दी है तो लख रुपये कट देंगे, है ना, ठीक है।
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ? 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲ, ਸਰਸੋਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਖੜੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਗਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਸਵਸਥ ਰਹੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।